हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं अपना क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल शेयर करने जा रही हूँ, दैट हाउ आई ऑर्गेनाइज माय क्लोजेट एंड हाउ आई एम सेग्रीगेटिंग माय ट्रेडिशनल वियर एंड वेस्टर्न वियर। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज माय क्लोजेट। इसमें ये वाला एरिया और नीचे एक ड्रॉर है वो वाला मेरा सेक्शन है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाला जो एरिया है मेरा खाली रहता है, क्योंकि मैं अपने कपड़े हैंग नहीं करती हूँ, उसकी मुझे आदत नहीं है, मैं फोल्ड करके ही रखती हूँ। तो वो एक है कि वो ऊपर वाला एरिया पूरा खाली हो जाता है, वेस्ट जाता है मेरा, और सारे कपड़े इधर मिक्स मैच हो जाते हैं। इसमें ट्रेडिशनल वियर, वेस्टर्न वियर, घर का, बाहर का सब चीज़ मिक्स हो जाता है मेरा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि आई कैन यूटिलाइज द एंटायर एरिया हियर। तो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। तो इधर मेरे पास ये शेल्फ है, ये आयरन मटेरियल का है। इसमें 5 का सेट था, तो 3 मैं कहीं और यूज़ कर रही हूँ, और ये जो 2 है ये खाली पड़ा था, इसको मैं अपने क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो लेट्स सी हाउ आई कैन ऑर्गेनाइज इट। तो सबसे पहले मैं सारे अपने कपड़े को हटा दूंगी, और उसके बाद वो शेल्फ को सेट करके देखूंगी कि वो इस क्लोजेट में आ भी पाता है कि नहीं। फिर मैं अच्छे से वाइप डाउन कर दूंगी अपने इस क्लोजेट को। नाउ आई विल ट्राई टू एडजस्ट दिस शेल्फ ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं कि शेल्फ रखने के बाद मेरा एरिया कितना ज्यादा बढ़ गया है। नहीं तो बस एक नीचे का एरिया था जहाँ पे मैं रख सकती थी, और ऊपर का पूरा एम्प्टी जा रहा था, वेस्ट जा रहा था स्पेस। बट इसको रखने से मेरा स्पेस अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है, और थोड़ा सा एरिया अगर बचा है इफ़ आई वांट टू हैंग एनीथिंग, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो गया है। इधर मैं एक पिंक बास्केट रखी हुई हूँ, उसमें मैं वो सब कपड़े रखूंगी जो मैं नहीं पहनती हूँ और डोनेशन में जाएगा। तो इसको अच्छे से पैक करके एक डोनेशन बॉक्स में मैं तैयार कर दूंगी। और ये है, ये पूरा मैं फोल्ड कर चुकी हूँ। तो ट्रेडिशनल वियर अलग, सारे को सेग्रीगेट कर करके ऑलरेडी मैं फोल्ड करके रख चुकी हूँ। नाउ इट इज द टाइम टू सेट माय क्लोजेट, सो लेट्स स्टार्ट। तो ऊपर का सारा जो है वो ट्रेडिशनल वियर में रखूंगी, नीचे जो है रेगुलर और जो भी मेरा वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो मैं प्रेफर करूंगी रखना। तो देखिए कितना स्पेस मेरा हो गया है कि मैं अपने बैग्स को भी इधर रख दी हूँ। नहीं तो पहले मैं इसको सेपरेट अलग क्लोजेट में रखती थी, लेकिन अब देखिए पूरा अच्छा खासा स्पेस है, और इतना सारा सामान रखने के बाद भी ये वाला एरिया पूरा खाली है, और इधर भी बहुत खाली है। तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ रख सकती हूँ।